सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति तुम्हें राजा बुला। नमस्ते। क्या तुमने शराब पी लिया? जा मंत्री 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 को बुलाओ। सेनापति तुम्हें राजा बुला रहे हैं। अच्छा मैं भी जाता। जी मैंने मुझे बुलाया। सिर्फ 25,000 उनके पास 1,00,000 सैनिक है। अब हम क्या करें? अपनी बस अपनी शक्ति को बढ़ाए रहो और सब कुछ पे छोड़ दो। ठीक है महाराज। हमारे वहाँ सबसे बुद्धिमान सैनिक कौन है? राजा मुझे एक है पर मैं बुलाऊँ उसको? हाँ ठीक है। जी मान जी महाराज हमने बुलाया। हाँ हमने तुम्हें बुलाया। क्यों? तुम्हारे बुद्धिमान सैनिक हो रहे हैं, हम इसमें क्या करें? बात कल तरकीब है महाराज, पर इस सिक्के से क्या होगा? महाराज सबके सैनिक के सामने उठा लेना। अगर टेल आया तो हमारे सैनिक आत्मशक्ति खो देंगे ना, पर क्योंकि पहले से उन्होंने आत्मशक्ति खो रखी तो वो और आत्मशक्ति खो देंगे अगर टेल आया तो। उसकी चिंता आप मत करना, आप चिंता ना करें, आप मेरे पे विश्वास करें। मान उसने मैंने तुम पे विश्वास किया, हम जीत जाएंगे अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे। सैनिकों ठीक है महाराज, शुक्रिया आपने ये अवसर मुझे दिया महाराज, आपका शुक्रिया। महाराज जैसा कि आप ये जानते हैं इस सिक्के में हेड दोनों तरफ है, तो महाराज कैसी लगी आपको मेरी बुद्धिमानी? बहुत बढ़िया सैनिक, बहुत बढ़िया, हमें तुम पे गर्व है। महाराज सुन किया, इसको 200 स्वर्ण मुद्रा जाए दे। महाराज ये तो मेरा फर्ज था। नहीं नहीं ये ले लो, तुमने बहुत अच्छा काम। सुन क्या महाराज, फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? क्योंकि हमें अपने चैनल में ऐसी और वीडियो लेके आते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल है कि अगर हमारे अंदर कुछ जीतने का कुछ है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही अभी इस स्टोरी में भी हुआ, क्योंकि हमारे सैनिकों के अंदर अब बहुत आत्मविश्वास आ गया था कि हम जीत सकते हैं, तो हमने डेफिनेटली जीत के दिखाया। सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी?